वोट को इज्जत दो में आप ही के स्टेटमेंट के जरिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये साबित करूंगा कि आपकी बातें मुनाफिकत पर मबनी है, आपकी बातें झूठ पर मबनी है और आपकी बातों में शदीद तजाद है। आइए सबसे पहले उठाते हैं फौज के बारे में जो आपने आज सेमिनार में जो गुफ्तगू की वो थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मैं दिखाता हूं आज क्या कह रहे हैं फौज के बारे में आप और कल आप क्या कहते थे फौज के बारे में। पहले देखते हैं आज क्या कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया, फिरोज कानून माजूल कर दिए गए और 4 माह पहले अपनी मियाद मुलाजमत में तौसीफ पाने वाला आर्मी चीफ मुल्क के स्याहो सफेद का मालिक हो गया। यहां से फौजी आमरियतों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। 1977 में दूसरे इंतखाबात हुए, इस बार भी इंतखाबी नतायज अमली शक्ल इख्तियार न कर सके और मुल्क में तीसरी बार मार्शल लॉ लगा और 1973 के आइन के तहत मनसब संभालने वाला पहला वज़ीरे आज़म फांसी चढ़ा दिया गया। आपने सुना क्या कहा फौज के बारे में, थोड़ा सा सुनाया और वो 1973 के बाद जिसकी हुकूमत थी वो फौजी ज़ियाउलहक साहब थे जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया उसको फांसी दे दिया आप कहते हैं। आइए ज़ियाउलहक के बारे में आप क्या कहते हैं, कल क्या कहते थे सुनिए। उसका जज्बा इश्क, मुझे उसका पूरा पूरा एतराफ है ज़ियाउलहक मरहूम से और हमारी दुआ है कि अल्लाह शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरे मोहसिन थे जनरल ज़ियाउलहक साहब, एक चीज देखिए आपने, मोहसिन थे उनके और मैं उस मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो इंटरव्यू में मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए। आई हैव अ ग्रेट एडमिरेशन फॉर द लेट प्रेसिडेंट, ही डन सम वेरी गुड वर्क इन द कंट्री एंड ही सेट वेरी गुड प्रेसिडेंट्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री व्हिच हैव हैड वेरी हेल्दी इम्पैक्ट and I like to pursue those policies, decency in politics. I think he's the first one to introduce in this country. ji nazreen ye zyada dinon ki baat nahi hai, chand saalon ki baat hai. aaiye kehte hain main hijacker ke taur par mujhe treat kiya gaya aur mujhe jila watan kar diya gaya. kya keh rahe hain is interview mein, thoda sa main inke alfaaz sunata hu aur fir inka tazaad dikhata hu, inka jhoot dikhata hu, inki munafiqat dikhata hu. aaiye dekhiye. मुझे हाई जैकर करार दिया गया, अटक किले में डाल दिया गया और फिर जलावतन कर दिया गया। आइए एक और तजाद दिखाता हूं, बहुत बड़ा तजाद, बहुत बड़ा झूठ। आइए, लेकिन ये स्टैंड उसी दिन मैंने लिया था जिस दिन मुशर्रफ आए थे और उस वक्त तो बड़ा खौफ का आलम था पूरे मुल्क में, लेकिन मैंने कहा कि मुझे मारना है मार दो, मुझे जो करना है कर दे, लेकिन मैं इस कागज पे दस्तखत नहीं करूंगा। मेरा जमीर इस बात पे इजाजत नहीं देता, मेरी हुबुल वतनी इस बात की इजाजत नहीं देती, मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत इस बात की इजाजत नहीं देती। मैं कैसे आपको कहूं कि हाँ जनाब मैं ये बसर करता हूं क्योंकि आप आ गए और मैं मुल्क के आइन को तोड़ने में मैं भी पार्टी बन जाऊं। मैं पाकिस्तान के आवाम को कभी धोखा नहीं दे सकता, मैं सियासत छोड़ सकता हूं लेकिन कभी कौम को धोखा नहीं दूंगा। जी जनाब आपने साइन नहीं किया, ये हकीकत बताऊं क्या हुआ, खुद साद हरीरी साहब क्या कहते हैं सुनिए, नवाज शरीफ साहब आप भी। Mr. Sharif was imprisoned in Pakistan. I was the person who came back and forth and made the agreement between for the release of Mr. Sharif out of Pakistan. ये तजाद, ये झूठ। आइए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में आज सेमिनार में आप क्या कह रहे हैं उस शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में, बड़े अच्छे अल्फाज हैं सुनते हैं, आइए सुनिए। 1988 में चौथे इंतखाबात हुए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, वोट की इज्जत इस तरह की गई कि 1.5 साल बाद ये असेंबलियां तोड़ दी गई, वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। 1993 में छठे इंतखाबात हुए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दूसरी बार वज़ीर आज़म बनी लेकिन वोट की तौहीन का ये सिलसिला जारी रहा। 3 साल बाद असेंबलियां तोड़ दी गई और वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। आइए मैं आप ही के अल्फाज में मियां नवाज शरीफ साहब मोहतरमा बेनजीर
भुट्टो एक बड़ी लीडर के बारे में आज जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, बहुत मुकदमात हैं, कल आप क्या कहते थे? और आपने खुद माना कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हुकूमत को खत्म करने के लिए उन्होंने किस तरह सदर से मुलाकात की और क्या कहा? सुनिए ये पहला कि आप क्या कह रहे हैं बेनजीर के बारे में। मेड इन इंग्लैंड नहीं है ये, तो न जाने कहां से आई है, किसने लाके बैठा दिया है, और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत, और अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले। फैसला हुआ है बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस करने का, उसमें लोगों ने उसको बड़ा वेलकम किया है। और फिर मैं जब प्रेसिडेंट फारूक लगारी को जाके मिला था, मैंने उनको कहा था प्रेसिडेंट साहब ये पब्लिक डिमांड है कि यू नाउ मस्ट गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट, तो ये मेरी अकेले की डिमांड नहीं थी, ये पूरी कॉम की डिमांड थी। और ये दिन बेनजीर भुट्टो साहब ने खुद इन्वाइट किया था, इस फैसले पे मुल्क के अंदर मिठाइयां बांटी गई हैं। जी नाज़रीन देखिए, मैं इन्हीं के स्टेटमेंट से, लाइव स्टेटमेंट से इनके तजाद को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, झूठ को पेश कर रहा हूँ, मुनाफिकत को पेश कर रहा हूँ। आइए देखिए भुट्टो के बारे में कितने अल्फाज हैं इस सेमिनार में, अच्छे अल्फाज सुनिए। और बचा कुचा पाकिस्तान जबरदस्त इंतशार का शिकार हो गया, यहां तक कि कौमी सलामती खतरे में पड़ गई। इन हालात में इसके सिवा कोई चारा न रहा कि मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल करने वाले लीडर जुल्फकार अली भुट्टो को मदद के लिए पुकारा जाए। 1977 में दूसरे इंतखाबात हुए, इस बार भी इंतखाबी नतायज अमली शक्ल इख्तियार न कर सके और मुल्क में तीसरी बार मार्शल